वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ डेली वेज मेकअप लुक, जो हम एवरीडे में कैरी कर सकते हैं, जो कि मेकअप लवर होते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है या जॉब कर रहे हों, तो लड़कियाँ जो जॉब कर रही हों तो वो मेकअप भी करना चाहती हैं बट हैवी दिखना भी नहीं चाहती, तो आज मैं उन लोगों के लिए मेकअप लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्राइमर हो आप वो यूज कर सकते हो, मैं एलेगल का यूज कर रही हूँ। यूज करूंगी मॉइस्चराइजर, मैंने सिरम पहले ही यूज कर लिया था तो मैं सिरम यूज अभी नहीं करूंगी। मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ गार्नियर का, जो कि है विंटर कोकून। अब हम यूज़ करेंगे अपनी एवरीडे पैलेट, जो कि मेरे पास है क्रायलॉन की। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन, ओलिविया स्टिक भी आती है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे उसके शेड्स भी हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसे ही यूज़ करती हूँ एवरीडे में, बट अभी मेरे पास वो ख़त्म हो चुकी है तो मैं इससे कर रही हूँ। ये भी सेम ही है बट क्रायलॉन की कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है ओलिविया के अकॉर्डिंग। हम आंखों पे हमेशा ही ज़्यादा हल्का सा लगाएंगे, फेस से ज़्यादा हमें आंखों पे ही लगाना होता है क्योंकि यही डार्क एरिया रहता है हमारा। ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब हम इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर देंगे। मैं कलर बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, हमें हमेशा ही कॉम्पैक्ट डैप करके ही यूज़ करना है। अब हम लगाएंगे ब्लशर। अब हम फिल करेंगे अपनी आईब्रोज। काजल से ही कर सकते हो, मैं काजल से ही करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए इतना कंसंट्रेशन करने की वजह से। अब हम लेंगे अपने ब्लशर से ही न्यूट पिंक कलर, सबसे न्यूट, बिल्कुल लाइट सा। मैं पहले हाथ से ऐसे रैप कर लूंगी ताकि ये बहुत ही लाइट आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंक शेड पहन रखा है इसीलिए मैं ये शेड ले ही रही हूँ। ये बहुत लाइट सा है, कैमरे में दिख तक नहीं रहा है इतना लाइट है ये। हमारा आई मेकअप डन। मैं अंडर आईज में भी हल्का सा यही शेड लेकर काजल को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे ताकि ये पहले ना, बस इस पे ऐसे ही डैब डैब हमें करना है। हम लगाएंगे मस्कारा। चीज जो की है लिपस्टिक, मैं आज ये न्यूड शेड नहीं यूज करूंगी, मैंने एक दूसरा शेड देखा है मैं वो वाला यूज करूंगी। बट हाइलाइटर मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ।
अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई करने जा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो ही हाइलाइटर अप्लाई करें, वरना ना करें, ये आप लोग की चॉइस है। सो लास्ट स्टेप, सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज माय फाइनल लुक, एवरीडे मेकअप। मैंने हेयर स्टाइल भी कर ली है और मैंने इस हेयर स्टाइल का भी ट्यूटोरियल दिया है, सो आप लोग ये हेयरडू भी सीख सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, डोंट फॉरगेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।